हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनलाइटेन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडी अबाउट होम एंड इंसर्ट टैब। टुडे आई टीच यू पेज लेआउट टैब। लेट अस स्टार्ट। देखिए, पेज लेआउट टैब में डिफरेंट टाइप्स के टैब्स होते हैं इसके अंदर, जैसे थीम्स हो गया, पेज सेटअप हो गया, पेज बैकग्राउंड हो गया, पैराग्राफ हो गया और अरेंज हो गया। ठीक है, सबसे पहले थीम की बात करें तो पहले हम एक वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैकग्राउंड टाइप किया। बैकग्राउंड टाइप करने के बाद इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में जाएंगे और हमने लिख दिया जैसे हेडिंग फर्स्ट, इसको एक हेडिंग दे दिया। ठीक, फिर पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट में क्या है, थीम्स हैं। थीम्स में जैसे कलर्स हो गया, फॉन्ट है, आपका इफ़ेक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थीम्स हैं तो कलर्स पे जाएंगे। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं। देखिए इसमें से कोई भी एक कलर हम ले सकते हैं, कोई भी एक कलर हम इसे ले सकते हैं। लेने के बाद हमारे पास फॉन्ट है, तो फॉन्ट की स्टाइल भी है, ऑफिस क्लासिक, ऑफिस क्लासिक 2, कैम्ब्रिया, फ्रैंकलिंग, ठीक, लूसीडा, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम इसमें से एक कोई भी फॉन्ट्स की फॉन्ट्स को ले सकते हैं। ओके, फिर देखिए इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स पे जाइए। तो ये देखिए, ये भी क्या है, एक तरह का इफ़ेक्ट्स है आपका थीम में, तो कोई भी इफ़ेक्ट्स आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आपकी कुछ थीम्स हैं, तो ये देखिए, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके हमारे लेटर्स और थीम, मतलब हम यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद सेकंड टैब हमारा क्या है, पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे जाएंगे तो मान लीजिए, पेज सेटअप का मतलब है कि जो हम लोग, हमारा जो पेज होता है उसको हम सेट कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पेज सेटअप पर जाएंगे, या तो हम कॉर्नर का ये जो होता है सिंबल, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेज को सेट कर सकते हैं, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बेटा मार्जिन आप समझते हैं ना, जो पेज के साइड में जो स्पेस होता है वो हमारी मार्जिन होती है। ठीक है, वैसे हमारा जो, हमारी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो नॉर्मल है। ठीक है, आपके पास नैरो भी है, मॉडरेट भी है, वाइड है, मिरर्ड भी है। जैसे मिरर्ड पे करेंगे तो वो डबल साइज में हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मार्जिन नॉर्मली हम रखते हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन है, इसका मतलब क्या है, आपका पेज पोर्ट्रेट मीन्स खड़े हुए भाग में, लैंडस्केप मीन्स जो चौड़े एक लंबे भाग होता है उसको हम बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट ये साइज़ है, और लैंडस्केप में करेंगे तो ये साइज़ हो जाती है, क्लियर है। ठीक, फिर साइज़ की बात करें तो आप जानते हैं जो हमारी पेपर की जो साइज़ होती है वो A4 होती है, तो इसमें लेटर्स A4, तो A4 तो हमारी क्या डिफ़ॉल्ट साइज़ है। ठीक है बेटा, और मोर पेपर साइज़ चाहिए तो आप यहाँ से जाकर चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉलम है, अगर कॉलम पे जाते हैं तो कॉलम है तो 1, 2, 3 लेफ्ट राइट, कैसा आपको कॉलम सेट करना है आप कर सकते हैं। अगर 2 कॉलम में करेंगे तो वो पेपर जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे वो आधा इधर से भी आएगा और आधा उधर से भी आएगा। ठीक है, पहले इसको बताने के लिए, इससे पहले हमें कुछ सेट करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कोई पैराग्राफ लाते हैं, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, और अगर आप पेज लेआउट टैब में गए तो सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मार्जिन है, इस पेज की मार्जिन करनी है, तो बेटा आप यहाँ पर जाकर देखिए, नैरो करते हैं तो नैरो आ जाएगी, मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट आ जाएगी, ये डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन मीन्स करेंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैंने बता ही दिया है, तो ये देखिए ये पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप करेंगे तो पेज की साइज़ इतनी हो जाएगी। ठीक, फिर साइज़ की बात करें तो A4 साइज़ है, लेटर में करेंगे तो लेटर साइज़ में आ जाएगी, क्लियर है। फिर कॉलम की बात करें, अगर हमने 3 कॉलम किया तो ये देखिए इस तरीके ये हमारा जो पैराग्राफ वो 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। ओके, फिर पेज को अगर हमें ब्रेक करना है बेटा, तो यहाँ पर गए, पहले देखिए कहाँ से ब्रेक करना है, पहले यहाँ से अगर हम पेज ब्रेक करना है, इस पर जाएंगे और किस पे जाएंगे,
इवन करना, ऑड करना है, नेक्स्ट पेज करना है, तो नेक्स्ट पेज पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे किया, देखिए पेज हमारा यहीं से ही ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हमें किसी पैराग्राफ के बीच में ब्रेक करना है, जैसे हमें इनके बीच में ब्रेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जैसे कॉलम में कॉलम ब्रेक करना है, तो ये देखिए तो ये कॉलम में ब्रेक हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब बेटा देखिए लाइन नंबर देना है, तो आप क्या कीजिए, एक सेलेक्ट कर लीजिए और लाइन नंबर पे जाके कॉन्टीन्यूअस डाल दीजिए। तो देखिए ये कॉन्टीन्यूअस आ गया। अब इसके नीचे अगर आप टाइप करते हैं तो देखिए आता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। तो आप लाइन नंबर भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड से अंडू करते जा रहे हैं सारी चीज़ें, जिससे आगे की चीज़ें हम बता पाएँ। हो गया ये। अब अगर हमें देखिए पेज लेआउट में जाने के बाद, देखिए ये बीच में डिफरेंस है ना, इस बीच के डिफरेंस में जैसे इंट्रोड्यूस है, इसे हमने बैक किया और यहाँ पर जाकर हमने हाइपरनेशन लगा दिया। तो बेटा देखिए वो वर्ड पे हाइपरनेशन लगेगा जिस पर कम्प्लीटली लग पाए। जैसे देखिए हाइपरनेशन का मतलब ये है कि कोई वर्ड जब हमारा कम्प्लीट नहीं हो पाता है तो उतने समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस पेज में नहीं अट पा रहा, उसके साइज़ में नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग डैश लगा के वर्ड नीचे लिख देते हैं। उसी तरीके ये देखिए, यहाँ पे देखिए आर इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस में यहाँ पर लग गया हाइपरनेशन, इंट्रो के बाद डैश लग गया। उसी तरीके बायोलॉजिकल में भी देखें, लॉजिक डैश लग के क्या लग गया, बायोलॉजिकल, तो ये हाइपरनेशन हो गया। समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है और अरेंज है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, पेज बैकग्राउंड। अब बेटा देखिए इसके लिए हम प्लेन पेज लेते हैं, ठीक है। पेज लेआउट में गए और पहले वाटरमार्क समझते हैं। वाटरमार्क मतलब ये है जब कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अपने उस पेज के बैक में, पेज के बैक साइड में अपना स्कूल का नेम या उस इंस्टीट्यूट का नेम डालता है, तो उसमें हम लोग क्या वाटरमार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये कॉन्फिडेंशियल है, हम कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसमें कॉन्फिडेंशियल में वही चीज़ लिख कर आएगा। लेकिन हमें अपना एक वाटरमार्क बनाना है, तो आप क्या कीजिए, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। बेटा देखिए नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क आपको क्या करना है, और एक है टेक्स्ट वाटरमार्क। हमें सबसे पहले टेक्स्ट वाटरमार्क पे जाना है। टेक्स्ट वाटरमार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या है, देखिए ASAP कैलिब्री ये सारी चीज़ें आ रही ना, क्या आपको टाइप करना है, आप जाइए टेक्स्ट पे, अपने चैनल का नाम लिखा, ठीक है। और फिर डायगोनल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, हॉरिजेंटल हमें नहीं चाहिए, डायगोनल चाहिए, अप्लाई कर दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये दिख रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो हम फिर जाएंगे अपने वाटरमार्क पे और जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे और इसके कलर को चेंज करेंगे। हमें चाहिए जैसे हमने रेड कलर डाल दिया, ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे। सेमी ट्रांसपेरेंट इसलिए हटा देंगे जिससे वो कलर थोड़ा हाईलाइटेड हो, मतलब डार्क में दिखे, वो अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये हुआ हमारा वाटरमार्क। अब बेटा अगर इसके देखिए, अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो आप इसके ऊपर भी टाइप कर सकते हैं और बैक में आपके इंस्टीट्यूट का नेम भी शो होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ पेज कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर है पेज के, तो आप देखिए जो वाटरमार्क लगाने के बाद जो आप पर शो अच्छा लग रहा है, जो पेज आपको अच्छा लगता है, तो आप वो पेज का कलर रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज बॉर्डर है, तो पेज बॉर्डर पे आप जाएंगे तो ये देखिए स्टाइल है, डिफरेंट टाइप मतलब बॉर्डर की स्टाइल है। आप यहाँ से बॉर्डर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों अप्लाई हुआ, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट में चाहिए तो होल आएगा, सेक्शन में चाहिए, फर्स्ट पेज ओनली चाहिए, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में देखिए साइड में भी बॉर्डर्स हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन पेज बॉर्डर हम लगा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आपके पास कलर भी है, जिस कलर का बॉर्डर चाहिए आप उस कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस कलर को यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके साथ साथ विद है, तो साइज विद मीन समझते ना उसकी चौड़ाई कितनी पतली होनी चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, तो ये आपकी विद हो गई। फिर अगर आप उसके साथ में वो सारी चीज़ नहीं चाहते, कुछ आर्ट चाहिए, आर्ट में चाहिए आपको, जैसे हमने ये लगा दिया तो कुछ डिज़ाइंस आ जाती हैं उसमें बॉर्डर में, तो आप इस तरीके अप्लाई करके ओके कर दीजिए बेटा। देखिए इस तरीके आपका पेज दिखने लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपका पेज लेआउट में थीम, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड, ये तीन टैब मैंने आज आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैराग्राफ और अरेंज का बता दूंगी, तो आपका पेज लेआउट भी एमएस वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।